We have completed lesson number four, that is plants around us. In that, in this chapter, we have discussed about the different habitats of plants. That is, plants that grow on land, that is terrestrial plants, and the plants that grow in water, that is aquatic plants. And today we will discuss the value-based question of this lesson now here is a story about ramesh a boy and we will read this story first and then try to give answers of the questions that are asked now during his vacation रमेश वेंट टू दियर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज हमारी भी वेकेशंस होती है आप लोगों की समर वेकेशंस होती है और हमारे यहाँ रेनी वेकेशंस होती है रेनी वेकेशंस वन मंथ और उससे ज्यादा एंड ड्यूरिंग वेकेशंस आप कहीं घूमने जाते हैं और जिसके जिन बच्चों के विलेजेस होते हैं वो विलेजेस में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जरूर जाते हैं कोई नाना नानी के पास जाता है कोई दादा दादी के पास जाते हैं सो रमेश ऑल्सो वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग हिज वेकेशन ही सॉ हिज ओल्ड एंड वीक ग्रैंड पेरेंट और ग्रॉरी ग्रैंड फादर प्लोइंग द फील्ड with the help of bullocks so as we have discussed in the chapter also about the plowing how farmers cultivate their crops how they grow their crops so his grandfather was a farmer and he saw his grand फादर हु वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक क्योंकि बहुत एज थी उनकी जिसकी वजह से वो वीक भी हो गए बिकॉज एक एज के बाद जब इंसान ओल्ड हो जाता है तो उसमें जो ताकत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है एज कंपेयर टू वेन ही वॉज यंग तो उसकी ग्रैंड फादर भी बहुत ओल्ड हो गए थे और वीक से एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर एंड ही प्लो द फील्ड विद द हेल्प ऑफ बुल्स सो बुल्स से जब फील्ड को प्लो करते हैं तो उसमें बहुत ताकत लगती है और बहुत जोर भी लगता है इट इज नॉट सो इजी सो रमेश फेल्ट वेरी सैड बिकॉज अगर पर्सन वीक होगा तो वो उसको प्लो करना विद द हेल्प ऑफ बुलक इज वेरी डिफिकल्ट तो रमेश को बहुत बुरा लगा कि मेरे ग्रैंड जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं और वीक हो चुके हैं वो बुलक से फील्ड को प्लो कर रहे हैं इन द इवनिंग ही रैंग अप हिज फादर एंड टोल्ड हिम अबाउट इट तो उसको बोरा लगा उसने सोचा कि क्या किया जाए सो इन द इवनिंग ही रैंग अप हिज फादर दैट मीन्स ही मेक अ कॉल टू हिज फादर उसने फोन किया कॉल किया अपने फादर को और बताया अपने फादर को कि हाउ हिज ग्रैंड फादर इज प्लोइंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ बुलेट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर Him, कि उनके दादाजी को बहुत परेशानी हो रही है वो बहुत वीक है और फिर भी वो प्लो कर रहे हैं फील्ड को बुलक की हेल्प से बैलों की मदद से जो कि बहुत मुश्किल है आफ्टर अ फ्यू डेज हेज फादर केम टू द विलेज एंड कुछ दिनों के बाद ये बात सुन के उसके फादर विलेज आ गए रमेश और उसके ग्रैंडफादर के पास विद पर्सन फ्रॉम द बैंक और एक आदमी को भी साथ में लाए जो कि बैंक से था द बैंक ऑफर्ड इजी लोन्स टू फार्मर टू बाय ट्रैक्टर्स तो जो बैंक है वो फार्मर्स को इजी लोन देता है लोन मींस उधार पैसे जो कि आ, आप धीरे धीरे वापस कर सकते हैं इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स और गवर्नमेंट ने भी बहुत फैसिलिटी दी है फार्मर्स के लिए और बहुत कुछ करती है गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए भी सो हिज फादर ब्रिंग अ पर्सन हु इज फ्रॉम द बैंक एंड आफ्टर अ मंथ रमेश ग्रैंड फादर न्यू ट्रैक्टर और जो बैंक से पर्सन आया था उसने उनको लोन के बारे में बताया उसकी रमेश की ग्रैंडफादर को कि इजी लोन मिल जाता है आपको थोड़े थोड़े पैसे करके वापिस करने हैं आप इस ट्रैक्टर से बहुत इजीली फील्ड को प्लो कर सकते हैं और उससे बहुत कमाई कर सकते हैं और उस कमाई में से धीरे धीरे आप लोन के पैसे को रिटर्न करेंगे सो so, उसने उनको समझाया एंड आफ्टर अ मंथ वन मंथ के बाद रमेश ग्रैंड फादर बॉट अ न्यू ट्रैक्टर और उसके ग्रैंड फादर ने एक न्यू ट्रैक्टर खरीद लिया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी और उसके ग्रैंड फादर बहुत हैप्पी थे यू कैन सी हियर इन द पिक्चर नाउ ही इज प्लोइंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर एंड इट इज Very easy as compared to plow with the bullocks, it is very easy to plow with the tractor. You know that car chalana, car chalana kitna easy, hai. so ye with he, easy. So he was very happy. Wo hi khush now you have listened and read the story. Now, here is some questions. हाउ डू वी नो दैट रमेश इज वेरी केयरिंग बॉय कैसे पता चलता है कि रमेश बहुत केयरिंग बॉय है यस ही वॉज वेरी केयरिंग बिकॉज जैसे ही उसको अपने ग्रैंड फादर के बारे में पता चला कि उनको बहुत मुश्किल हो रही है फील्ड को फ्लो करने में तो उससे रहा नहीं गया जो केयरिंग पर्सन होता है वो दूसरे का दुख नहीं देख सकता और दूसरे की परेशानी दूर करने की कोशिश करता है सो इन द सेम वे रमेश व्हेन रमेश सॉ हिज ग्रैंड फादर इन डिफिकल्टी और इन प्रॉब्लम ही कॉल्ड हिज फादर एंड आस्क हेम टू हेल्प हिज ग्रैंड फादर नेक्स्ट इज वट काइंड मैन इज रमेश फादर रमेश के फादर कैसे टाइप के आदमी थे सो रमेश फादर इज वेरी केयरिंग वो भी केयरिंग थे जैसे ही उनको अपने फादर का प्रॉब्लम पता लगी उन्होंने उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की सेकेंडली ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो इंटेलिजेंट भी थे एकदम से प्रॉब्लम को सॉल्व किया उन्होंने जो उनके आ, फादर को थी और वो अपने फैमिली का भी बहुत ध्यान रखते थे जैसे कि उन्होंने अपने बेटे रमेश की बात सुन के एकदम से वो अपने विलेज चले आए हाउ कैन यू हेल्प योर ग्रैंड फादर नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट हाउ कैन यू हेल्प योर ग्रैंड फादर आप कैसे अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं सो यू कैन हेल्प योर ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स इन मैनी वेज उनको जो भी कुछ चाहिए होता है छोटी छोटी चीजें बिकॉज वो जल्दी जल्दी फास्ट नहीं मूव कर सकते इधर उधर उनको कभी मेडिसिन चाहिए उनकी मेडिसिन का ध्यान रख सकते हैं आप उनको कभी पानी चाहिए होते पानी दे सकते हैं कभी वो कोई चीज़ ढूंढ रहे होते उनकी चीज़ें ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा आप उनके साथ टाइम बिता के उनके पास बैठ के उनके साथ बातें करके आप उनको हेल्प कर सकते हैं बिकॉज़ सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं आपके मामा आपके पापा सो दे मस्ट नॉट फील अलोन बिकॉज योर ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादातर घर पे रहते हैं और उनके पास ज़्यादा काम भी नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर काम आपके मदर कर देती हैं बाहर का काम आपके फादर कर देते हैं तो उनके काम करने को नहीं होता वो बोर होते हैं कई बार और उनको थोड़ा अकेला लगता है तो आप उनके साथ बैठ के उनके साथ खेल सकते हैं उनके साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर जब आपके पास फ्री टाइम हो जब आप अपना पढ़ाई भी ना कर रहे हों कुछ और काम भी ना हो यू कैन गो एंड सिट विद दैम उनको भी अच्छा लगेगा एंड और छोटी छोटी हेल्प्स आप उनकी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया उनकी कोई चीज लाने में कोई चीज रखने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं सो इन दिस वे यू कैन हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट इज समथिंग टू डू मेक अ लिस्ट ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन एंड अराउंड यूर स्कूल तो आपके स्कूल के अंदर और स्कूल के सराउंडिंग में जो ट्रीज है उनके लिस्ट बनानी है देर आर द टू कॉलम्स ट्रीज इन माय स्कूल दैट यू हैव टू राइट हेयर एंड ट्रीज अराउंड माय स्कूल दैट यू हैव टू राइट हेयर सो राइट नाउ यू आर नॉट गोइंग टू द स्कूल बट आपको फिर भी थोड़ा बहुत अगर पता हो कौन कौन से ट्रीज आपके स्कूल में है यू कैन राइट हेयर एंड ट्रीज अराउंड योर स्कूल घर स्कूल के आसपास जब आप जाते हैं तो आपको देखने को देख... मिलते होंगे कौन कौन से ट्रीज है आपके स्कूल के आसपास। यू हैव अ रानीताल नियर योर स्कूल स्कूल के पास उसमें बहुत सारे ट्रीज हैं मैंगो ट्रीज देयर नियर योर स्कूल एंड मैनी अदर ट्रीज यू कैन राइट द नेम्स Uh, near Lagdata you have a banyan tree which is also near your school and trees in your school, you have a, a rose tree or plant at near school or there small plants in school mein. you can write that and then prepare a chart of terrestrial plants and aquatic plants so what you can do in this is इन योर नोट बुक यू कैन पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ टेरिस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लाट्स यू कैन टेक द पिक्चर्स कट द पिक्चर्स फ्राम योर ओल्ड बुक्स और जो बुक्स लाइक फ्राम मैगजींस और फ्रॉम न्यूज पेपर और फ्राम एनी अदर ओल्ड बुक विच इज नॉट ऑफ एनी यूज जैसे आप पुरानी बुक्स को स्क्रैप डीलर को दे देते हैं तो इंस्टेट उनसे कुछ यूटिलाइज कर लीजिए उसमें से आप ये पिक्चर्स ले सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की दैट मीन्स द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड एंड द एक्वेटिक प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर सो यू कैन पेस्ट द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑन वन पेज एंड द पिक्चर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ऑन अनदर पेज यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन योर फ्री टाइम Because you have a lot of free time at your home now. So, it is a very interesting activity. So, your chapter is finished. And the next video, we will start the next chapter. Thank you.